क्यों क्यों भाई? क्यों मतलब? मैंने कह दिया नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती, अंडरस्टैंड दैट? मैं नो भाई, इट्स नॉट पॉसिबल. आई रियली लव हिम भाई. वो भी मुझसे बहुत प्यार करता. कोई प्यार व्यार नहीं करता, नहीं करता वो. अच्छा लड़का नहीं है, तू शादी नहीं करेगी उससे. Promise me you will not marry. Okay, fine, भाई, मैं नहीं करूंगी उससे शादी. पर आप at least मुझे ये तो बताइए कि वो अच्छा लड़का क्यों नहीं है? आगे किया क्या है उसने? क्योंकि वो कैसे समझाऊं? अलिया, मैंने एक बार कह दिया नहीं कर सकती means नहीं कर सकती. Just understand me. I'm very sorry, भाई. मैं आपकी बात नहीं मान सकती. क्या? अगर आपको रुद्र पसंद नहीं है then it's absolutely fine. It's okay. आपके लिए वो अच्छा लड़का नहीं होगा भाई, बस मेरे लिए रुद्र सबसे अच्छा लड़का. अच्छा लड़का कैसे समझाऊं तुझे कि वो तुझे धोखा दे रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है तेरा. इस ए और एक्टिंग की दुकान, मुझे घर भेज के शिवांगी की जासूसी पे लगा के तू खुद कहाँ गायब हो गई? हाँ, ये अच्छा मौका है उस बोल बच्चन एंकी टू की विद्या टेस्ट करने का. ए गोल गर्दन, ये क्या गोल गोल घुमा रही है तू? हाँ, ये तेरा हिप्नोटिज्म हम नाग नागिनों पे काम नहीं करने वाला. काम कर गया, जादू चल गया. जब से तुझे पता चला है कि शिवांगी नागिन हो सकती है, लगता है तेरे दिमाग को हार्ट अटैक आ गया है. ये कोटी घुमाना बंद कर, नहीं तो तेरी आंखों के साथ गोटियां खेलूंगी मैं. अरे ये क्या कर रही है तू? ये तेरे 440 के झटके देने वाला लॉकेट कम था क्या जो अब ये सुपारी लेकर आ गई? अरे ओ मेरी काली नागिन, जब तुझे पता चलेगा इस सुपारी का कमाल क्या है तो बिना नागिन म्यूजिक के ही डांस करने लगेगी. अच्छा, तू इतनी मोटी हो कि कोई कमाल नहीं कर पाए, ये इतनी सी सुपारी क्या कमाल करेगी? कमाल नहीं, धमाल करेगी. इसके नेटवर्क में आते ही नाग नागिनों का रंग बदल जाता है. क्या? अब देखना, इसके संपर्क में आते ही तेरे नाखूनों का रंग लाल हो गया है. वाह, कहां से लाई है सुपारी? 118 साल पहले तेरी पुरानी नागिन की पूछ से. फालतू सवाल पूछती रहती है. अगर वो शिवांगी सचमुच में नागिन है तो इस सुपारी के पास आते ही उसके नाखूनों का रंग बदल जाएगा. जल्दी चल और देख इस सुपारी का कमाल. हाँ लो, होने वाली जीजू आ गई, आपकी होने वाली. आजा. Is everything okay? Yeah, it's okay. Hello. Are you sure? 100%? Fantastic. तुम एक काम करो, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ अभी. अब देख रुद्र, कैसे तेरा असली चेहरा सबके सामने लाता हूं. और फिर देखना, मेरे यही घर वाले तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे. मेरे नाखून लाल मलाल मैं तो नाचूंगी, ओ मेरी नागिन लाल मलाल मैं तो नाचूंगी. एक गाने की दुकान, रुक तेरी बहू को बुलाती हूँ, उसे नचाना.
शिवांगी, शिवांगी क्या हुआ रुचिका, कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं, तुम्हारी सासू माँ को। उन्हें तुम्हारे हाथ से बनी हुई लस्सी पीनी है। मैंने कहा कि मैं बना देती हूँ, पर नहीं, कहती है कि अपने बहू के हाथों से बनी हुई पीऊंगी, तो पिला दो। हाँ बहू, क्या है ना, आज तुम्हारे हाथ की बनी लस्सी मुझे बड़ी याद आ रही थी। आज भी उसका टेस्ट यहाँ मेरी जीभ में है। प्लीज मेरे लिए एक ग्लास बना दो लस्सी। अब ये दोनों क्या नाटक करने वाली हैं? जी अभी बना देती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, नाखून, नाखून देख रही थी मैं। कितने प्यारे हैं। क्या करती हो तुम? मतलब बहुत एंटीक भी है और आर्टिस्टिक भी है। नेल आर्ट करवाती हो ना? हाँ वो कभी कभी। अच्छा, अरे उसके नाखून लाल नहीं हुए, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो नागिन नहीं है। ये नकली सुपारी किसने देती तुझे? हाँ कुछ भी उठा के ले आती है ना तू। ये सुपारी इसके नागिन ना होने की गारंटी नहीं है। हमें कोई दूसरा तरीका पता लगाना होगा। अब तू ही बता दूसरा तरीका क्या है। कितनी बार मैंने तुझसे कहा है कि तू मुझसे दूर रह। मिल गया, दूसरा तरीका मिल गया। बड़ी माँ। हाँ आपकी लस्सी। थैंक यू। यम्मी, खुश कर दिया। सोच रही हूँ तुझे एक गिफ्ट दे दूँ। क्या दूँ? बड़ी माँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, बहुत जरूरत है। याद आ गया, ये हमारा पुश्तैनी लॉकेट है। सोच रही हूँ ये लॉकेट तुम्हें दे दूँ। आज से मेरे सारे कर्म तुम्हारे हुए। इसे पहन लो बेटा। ओह, तो ये प्लानिंग थी तुम दोनों की। मेरे गले में लॉकेट पहना के मेरा नागिन रूप सामने लाना चाहती थी, पर कभी नहीं ला सकूंगी। बड़ी माँ। ये आपका पुश्तैनी लॉकेट है, ये आपके गले में ही अच्छी लगती है। आपको मुझे गिफ्ट ही देना है ना, तो आप कुछ और दे देना, ये आप पहनो। मैं दे भी नहीं सकती, उस नाग नागिन से बचने के लिए इसकी बहुत जरूरत है मुझे। ठीक है, तू ही सोचकर बता क्या गिफ्ट लोगी तो। जी एनीवे, थैंक यू फॉर द लस्सी। गरुड़ कवच पहनने के बाद शिवांगी को कुछ हुआ क्यों नहीं?
क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया? उन लोगों ने तुम्हें गरुड़ कवच बनाया और तुमने पहन लिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुछ हुआ कैसे? नहीं, क्योंकि मैं जानती थी गुफा में मेरा वो रूप देखने के बाद वो लोग चुप नहीं रहेंगे। मेरे गुमराह करने के बावजूद वो लोग मुझ पर शक करेंगे, मेरा असली रूप जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि वो कुछ करते, मैं गुरुदेव के पास चली गई। अब एक ही रास्ता है शिवांती, अब तो उन्हें तभी विश्वास होगा कि तू नागिन नहीं, जब सच में ही तू नागिन नहीं रहेगी। ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? हो सकता है, एक इच्छाधारी नागिन की सारी शक्तियां उसकी कैंचुली में होती हैं। कैंचुली में अगर तू अपनी कैंचुली उतार देगी तो तू एक इच्छाधारी नागिन नहीं रहेगी। उसके बाद ना तो तेरी शक्ति काम करेगी और ना ही तुझ पर किसी और की शक्ति काम करेगी। तो ठीक है, मैं अपनी कैंचुली उतार दूंगी, किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, वरना मेरा इंतकाम अधूरा रह जाए। लेकिन लेकिन ये इतना आसान नहीं है शिवांगी। एक इच्छाधारी नागिन पूर्णमासी की रात को ही अपनी कैंचुली उतार सकती है, अगर किसी और दिन उतारी तो बहुत तकलीफ होगी। मेरी माँ की मौत से ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो सकती ना? मैं अपनी कैंचुली आज ही उतारूंगी। अपनी इस कैंचुली को बहुत संभाल के रखना शिवांगी, उनका शक दूर होने के बाद तुम्हें फिर से वही मंत्र का जाप करना होगा, रुद्र शेष शिवन्या। उसके बाद ये कैंचुली फिर से तुम्हारे शरीर पर वापिस आ जाएगी और वापिस आ जाएंगी तुम्हारी सारी शक्तियां। जय भोलेनाथ।